कुरकुरे खिला तो किस बात के कुरकुरे खिलाओ मैंने खाने के लिए देंगे डुमलोट के बिक्रम के अच्छा कहीं मेरे चक्कर में लड़ाई ना हो जाए वैसे यहाँ डुमलोट में 50 परिवार तो होंगे ही हमारे इलाके का सबसे बड़ा गांव है तो वो रहा पीछे उल्याणी गांव मैं तो नहीं हो रखा इतना जितना यहाँ अच्छा हो रखा है हमारे आज तो हमने कुछ खाया भी नहीं अब घर में ही जाके खाएंगे। जय माँ भगवती। दगड़ियों कैसे आप सभी लोग आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9:30 बजे से और अभी मेरी तैयारी हो रही है डुलमोट गांव जाने की। तो आज मैं फिर से सर्वे करने जा रही हूँ और मेरे साथ अक्सु आ रही है। तो आज हमने डुलमोट गांव जाने का सोचा है तो अभी तो अक्सु का वेट कर रही हूँ मैं। जब अक्सु आ जाएगी फिर उसके बाद चलते हैं दोनों साथ में। और धूप भी आज बहुत तेज लगी और मेरे पास आज छाता भी नहीं है पता नहीं क्या होगा इतनी तेज धूप में। इतना धूप तो बहुत तेज लगी है लेकिन कोई बात नहीं काम तो करना ही है। तो अभी अक्सु का वेट करते हैं जब अक्सु आ जाएगी तब चलते हैं दोनों साथ में। अक्षु भी आ गई है मेरे साथ और अभी हम डुलमोट गांव में भी पहुंच गए। रास्ते में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई मैंने बोला अब डुलमोटी गांव जाके करूंगी व्लॉग को शुरू। तो अब आप लोगों को एक बार दूर से डुलमोट गांव दिखा देती हूँ बाकी घरों में अगर बनेगा व्लॉग तो ठीक है नहीं तो अब क्या करें। तो डुलमोट गांव बहुत बड़ा गांव है ये पहला घर है हम दोनों यहीं से शुरू करेंगे। और वैसे अभी पूरे घर दिख नहीं रहे लेकिन कुछ घर इधर फैले हैं कुछ घर उधर फैले हैं तो पता नहीं आज कितना टाइम लगेगा इसी गाँव में। तो डुलमोट गांव से हम 2 बजे आ गए थे और डुलमोट गांव में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि गांव बहुत बड़ा था और काम निपटाने में बहुत परेशानी हो रही थी किसी के बिल नहीं मिल रहे थे किसी का नंबर नहीं लग रहा था तो इसलिए वहां से हम जल्दी जल्दी निपट गए और हमने ब्लॉग व्लॉग कुछ नहीं बनाया। और तो अभी डुलमोट गाँव से होके अब हम उल्याणी गाँव में आ रखे और यहाँ पे एक ताई जी ने हमारे लिए चाय बनाई और हमें चाय पिलाई। अब मैं ताई जी से मिलाती हूँ आप लोगों को। तो अभी हम ताई जी के घर में आए थे और ताई जी ने हमें चाय पिलाई तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वही था हम तो चाय पिलाना कौन। तो ताई जी ने 3-3 बिजली बिल यहीं पे जमा कर दिए तो अच्छा हो गया हमारे लिए भी सही हो गया ज्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ा तो उस काम के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चल बाक्सो पियाल चाप जाए लोला जी अक्सु मन नहीं करना जाना। तो अभी यहाँ उल्याणी गांव में घूमते घूमते हम दूसरे घर में बैठ गए और ये घर प्रियंका का है जो मेरी दोस्त है मतलब स्कूल में थी वो मेरे साथ वैसे वो मेरे से 2 क्लास आगे थी लेकिन हम उसके घर में आए और जो उसकी दादी है वो हमारे गांव की है। तो दादी हमारे गांव की है हमारे गांव उनका मायका है ना दादी। तो आज दादी को अपने मायके वाले भी मिल गए बड़े हो गए है ना। तो चलो अब हम दगड़ हम चलो है ना पर चल जानी अब गांव यार ताजा हो जान। अरे कई दिन ऐसा लम यार बोला करो तब हम तो हम दादी को बोल रहे चलो अपने गांव अपने गांव के खुद लगी होगी होगी है ना खुद लगी जी। तो चलो आज हम दगड़ जान से तुम आज हम दादी जी का गांव खुद लगा दो भाई मैं तो बुढ़े होलता पर गांव खुद लग दे छे वही तो। तो दादी हमारे ही गांव की है तो इसलिए मैं बोल रही हूँ चलो आज हमारे साथ चलो जय मैं बतानी हुई बस सब नहीं पता चलगा जो जो तुम दगड़े के वाला वो सब देख ला तुम तो बसन छे मैं दगड़े जो मटियाल रहन अच्छा और आनंद दादी दी आनंद अच्छा यो बिमला पौणी अच्छा कब मेल रुन मा भैंस लिया तो बनी बा ईमेल तो बोल मोर के होल तेर बे मिल तो बोल मोर के होल आता मैं दगड़ बात कई हुई अच्छा बस और कोको छे तुम्हारा दगड़े शाकंभरी हाँ जो भैंस छोड़ रहे अच्छा बिछना दी हाँ अपने दिन याद आ गए बल्कि भी तुम्हें भी बोलेंगे ऐसे की बुढ़ाकोट गाँव की वो लड़कियां थी बल तो इन्हीं तू है ना लड़ से बल वही तो चलो आज तो तुम ले जाएगा छोड़नी है ना चलो चला तो वही वही तो आज दिन मान में थे जमा शकला हाँ तब
ये मैं बोला करूं। तो वैसे मैं दादी उनके घर में पहले भी आ रखी हूँ। एक बार उल्याणी गांव में मेरी जो स्कूल फ्रेंड थी उसकी शादी थी, तो उसकी शादी में आए थे हम, तो उस दिन मैं दादी लोगों के ही घर में रुकी थी, तो इसलिए मैं तो उन्हें जानती हूँ। और बाकी अक्षु तो पहली बार देख रही है उन्हें, उसे तो पता भी नहीं है कि वो हमारे गाँव की है, लेकिन मैंने उसे बता दिया कि आज से उन्हें दादी बोलना और हमारे गाँव के है, उनके घर में टक लगा के चाय पीने आना है ना। वही तो अब दादी के घर में चाय पीने आएंगे हम जब भी उल्याणी गांव आएंगे, अभी भी प्रियंका चाय बना रही है, जब वो चाय बना देगी तब उसकी शक्ल भी दिखाएंगे। तो प्रियंका ने हमारे लिए चाय भी बना ली है और चाय के साथ नमकीन भी लाई और अक्षु ने तो खा भी लिया है। अक्षु खा भी लिया, झूठ मत इंतजार तो करी ने जरा यार। और दादाजी भी आ गए गाय चरा के है। दादी दादाजी की पोशाक तो बड़ी मस्त है यार। तो अभी शाम के 5 बज रहे और अब जाके उल्याणी गांव से हमारा काम पूरा हो गया। तो वो रहा पीछे उल्याणी गांव। और कितना था परिवार छह वहाँ 30 है, तो 30-29 परिवार थे, तो वो तो अच्छा है, उनके घर एकदम सामने थे तो काम जल्दी निपट गया, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम तो लगी गया क्योंकि किसी को बिजली बिल नहीं मिल रहे थे, किसी के नंबर पर OTP नहीं जा रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आखिरकार 5 बजे हमारा काम निपट ही गया। तो वो रहा उल्याणी गांव, ऐसे तो छोटा दिख रहा है लेकिन बड़ा गांव है, कुछ घर उधर भी है, तो चलो कोई बात नहीं, हमारा काम निपट गया और अब चलते हैं। और ये डुलमोट वाली रोड, इस पे काम चल रहा है आजकल, यहाँ पे JCB भी आ रखा है, तो चलो अक्षु तो चली गई, अब मैं भी चलती हूँ उसके पीछे। तो डुलमोट गाँव की रोड से कुछ ऐसे व्यू दिखते हैं, ये रहा सिमकेत गाँव, उसके ऊपर ग्वालकुड़ी गाँव, और वो पूरा फैला है जो वो है मेलदार गाँव, हमारे इलाके का सबसे बड़ा गाँव है ये, और इधर भी है कुछ गाँव और का गो। तो वहाँ वो रहा घटूदार और उसके थोड़े ऊपर पे खैतुली, तो यहाँ से कुछ ऐसे गांव दिखते हैं। अब धूप भी चली गई और थोड़ा बहुत ठंडा भी होने लग गया, चलो कोई बात नहीं, अंधेरे होने से पहले हमारा काम निपट गया, अब चलते हैं दोनों घर में। आज तो हमने कुछ खाया भी नहीं, अब घर में ही जाके खाएंगे, लोगों ने बोला हमें खाने के लिए, लेकिन हमने बोला बड़े बड़े गाँव है जल्दी निपट जाएंगे तो अच्छा होगा, रोज रोज आने की मतलब टेंशन नहीं होगी। चलो जैसा भी हुआ ठीक हुआ, अब चलते हैं घर। तो कुछ परिवार सुबह छूट गए थे डुलमोट गांव में, तो उनका सर्वे मतलब अभी मैंने सुना किया है। वैसे यहाँ डुलमोट में 50 परिवार तो होंगे ही होंगे, वो तो अच्छा हुआ हम दोनों अलग अलग जा रहे थे, तब जाके एक दिन में 2 गांव निपट गए, नहीं तो एक दिन से ज़्यादा ही लग जाते हैं यहाँ डुलमोट गाँव में, क्योंकि कुछ लोग घरों में नहीं मिल रहे थे। और बाकी बिजली बिल की तो मैंने आपको बता ही दिया कि बिजली बिल तो किसी को मिल ही नहीं रहा था, किसी ने रखा था संभाल के, बाकी सबको ढूंढना ही पड़ रहा था। चलो जैसा भी हुआ अच्छा ही हुआ, हमारा काम निपट गया, अब देखते हैं कल किसी और गांव जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो अपने गाँव का ब्लॉग बनेगा। तो यहाँ भी गेहूँ की फसल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हो रखी, लेकिन थोड़ा बहुत सरसों तो ठीक लग रहा है, और हमारे यहाँ तो सरसों बिल्कुल ख़त्म ही हो रखा है, मतलब तो यहाँ तो सरसों पे बीज भी आ गए, और हमारे यहाँ सरसों को मतलब अभी घास के लिए पींडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और यहाँ तो सही है, थोड़ा बहुत बीज उज भी आ गए। चलो गेहूँ तो पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन सरसों की खेती अच्छी हो रखी है और वहाँ से लेके पूरा हरियाली फैल रखी है। तो जौ की फसल भी कुछ ऐसी हो रखी है हमारे यहाँ, हमारे गांव में तो नहीं हो रखा इतना जितना यहाँ अच्छा हो रखा है, हमारे गांव में तो अभी बिल्कुल छोटे छोटे हैं। तो अभी हम तीनों भगवती के मंदिर में पहुँच गए, मैं अब बुरादा, तो अब आप लोगों को भगवती माता के दर्शन कराते हैं। आजकल भैया भाभी लोग गांव में आ रखे, तो अभी वो भी आ रखे हैं हमारे साथ मंदिर में, तो कैसे लग रहा है भाभी गांव में? बढ़िया, बहुत अच्छा, मस्त। हाँ मस्त लग रहा है, अपना उत्तराखंड तो अपना ही है और क्या। तो भाभी हमें टॉफी दे रही है अभी टॉफी खाने के लिए। हाँ तो चलो भाभी ने हमें टॉफी भी दे दी, लो रे ये तो पकड़ी जा रहा वीडियो कॉल टाइम पहले वीडियो वही तो बढ़िया हो रखा, गांव का मौसम भी और माहौल भी दोनों चीज बढ़िया। तो चलो बढ़िया है, और भैया भी आ रखे हैं, भैया भाभी दोनों आ रखे हैं, तो उनकी जो सासू माता है वो हमारी ताई जी लगती है, तो आजकल वो ताई जी को गांव में छोड़ने आ रखे और यहाँ से राशन पानी ले जाने आ रखे खादा ले जाने आ रखे तो ताई जी को छोड़ने आ रखे, और यहाँ से वो पहाड़ी चीजें ले जाएंगे दिल्ली में, यहाँ से खादा झुंगोरा ले जाने आ रखे। तो भाभी कल कोदा झुंगोरा ले जाएगी, लेकिन गाँव में कोदा झुंगोरा तो हो ही नहीं रहा,
लेकिन ले जाऊंगी फिर भी दूसरे के गाँव गाड़ी में बैठ तो मतलब रख भी लिया गाड़ी में भी लिए। तो उन्होंने बोरी भी रख ली कोदे जुंगेरे की। अच्छा तो मतलब आप कोदे जुंगेरे लेने आ रहे हो गाँव में तो ले सोच के मैंने आना और जुंगेरे कुटाने के लिए देंगे डुमलोट के बिक्रम के। अच्छा तो वहाँ से ले जाएंगे वहाँ से ले जाएंगे। अच्छा गाड़ी रोक के आराम से चाय पानी पी के जुंगेरे कुटा के तब ले जाएंगे। चलो बढ़िया वही तो पहाड़ चीजें तो पहाड़ी है और क्या। भैया क्यों चुप रहे पीछे? भैया थोड़ा शर्मीले है ना। भैया शर्मीले और भाभी मिलनसार है हैं। भैया चुप रहे। चलो एक तो तेज होना ही चाहिए। भाभी के सामने भी नहीं बोलते ना। मतलब भाभी ने भैया को डरा रखा है। भैया भैया देख लो भाभी कैसे बोल रही है आपके लिए। कहीं मेरे चक्कर में लड़ाई ना हो जाए। चलो कोई बात नहीं ऐसा मजाक तो चलता ही रहता है। तो अभी हम तीनों दुकान में आ रखे और इन्होंने मेरे फोन के कवर के पीछे देखे 30 रुपए थे तो मेरे पीछे पड़ गए। बल कुरकुरे खिला तो किस बात के कुरकुरे खिलाऊं मैंने। चलो कोई बात नहीं पैसे थे कवर के पीछे तो अच्छी बात है। चलो इनके किस्मत में लिखे थे वो कुरकुरे तो अब कुरकुरे खाते हैं। ताऊ जी उनकी दुकान से लेते हैं यहाँ से कुरकुरे। तो अभी रात के 8 बज रहे हैं और खाना पीना हमारा बन रहा है। सब्जी मम्मी बना रही है और बाकी का काम भी मैं लगी हूँ करने में। तो अब ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें। कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।